दोस्तों, क्या आप शाओलिन मॉन्क्स के बारे में जानते हैं? इनकी ट्रेनिंग कई सदियों से चलती आ रही है। ये दिन रात मेहनत करते हैं और पूरी जिंदगी अपने जिस्म को मेंटेन करने में गुजार देते हैं। आज हम आपको इन मॉन्क्स की ट्रेनिंग के कुछ पहलू दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, इन मॉन्क्स की ट्रेनिंग 6 साल के अरसे से ही शुरू हो जाती है। इस उम्र में बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, मगर ये मॉन्क सख्त मुश्किल और तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। इस उम्र में ये अपनी बॉडी को बेंड करने और बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये किसी दरख्त के गिर्द अपनी बॉडी को लपेट सकते हैं। अगर आप इन बच्चों को देखें तो आप कहेंगे कि इन पर टॉर्चर किया जा रहा है, मगर ये सब इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉन्क्स का गला काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि ये ज़िंदगी के 10 साल से मजबूत करने में गुजारते हैं, और इनका गला इतना मजबूत हो जाता है कि ये अपने गले पर कोई लकड़ी या ईंट मारकर तोड़ सकते हैं। और इस तरह इनके मजबूत गले की वजह से अगर इन्हें गले में फंदा डालकर लटकाया जाए तो ये उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके अलावा मॉन्क्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से ये अपनी सांस को 20 मिनट तक रोकने के काबिल हो जाते हैं, जो कि सच में हैरान कन है। दोस्तों, मॉन्क्स अपनी बॉडी के तमाम पार्ट्स को सख्त बनाने के साथ साथ अपनी उंगलियों को भी बेहद मजबूत बनाते हैं। इस स्पेशल ट्रेनिंग को गोल्डन फिगर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे आयरन फिंगर कहते हैं। इसमें पहले तो मॉन्क्स मिट्टी पर अपनी उंगलियां मारते हैं, फिर जैसे जैसे ये मजबूत हो जाती हैं तो फिर इनको किसी दरख्त की लकड़ी और फिर आयरन शीट पर मारते हैं, और अक्सर 5 सेंटीमीटर का होल पड़ जाता है, और फिर इनकी ये उंगलियाँ लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बन जाती हैं, जिनका सामना कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आप तो सीढ़ियां छत पर जाने के लिए यूज़ करते होंगे, मगर आपको बता दें कि ये मॉन्क्स अपनी एक्सरसाइज के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे इनके मसल्स बढ़ते हैं और ये सीढ़ियों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर निहायत ही तेज़ी से चढ़ते हैं, और इस दौरान सीढ़ियों से बॉडी को टच भी नहीं होने देते। लेकिन आप ये सब ट्राई मत करना। दोस्तों, आप इन मॉन्क्स की ताकत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये मॉन्क्स चुटकी में गिलास को तोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि गिलास तो हर कोई तोड़ देता है, मगर ये मॉन्क्स एक सुई की मदद से गिलास तोड़ देते हैं। ये इतनी तेज़ी से और सीधा सुई को मारते हैं कि ये सुई गिलास के अंदर सुराख कर लेती है, और ये आँखें रखे हुए बैलून को भी फोड़ देती है। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स एक तरह के मार्शल आर्ट्स हैं। ये अपनी कलाइयों और हाथ को मजबूत बनाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पत्थरों को बर्तन में रखकर पंच करने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन यह बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, इसलिए इसे ज़्यादा देर तक नहीं किया जाता, क्योंकि यह दिमाग पर भी असरअंदाज होती है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में मॉन्क्स के पूरे जिस्म को लोहे की तरह मजबूत बनाया जाता है, और इस तरह वो हर चीज़ से टकरा सकते हैं। आपने अक्सर इन मॉन्क्स को तलवारों की नोक पर लेटे हुए देखा होगा, और कई बार इन पर हथौड़े और ईंटों से चोट लगाई जाती है। ये सब रियल होता है। दोस्तों, अब इस टेक्निक को देखें। इसे पिलर कहा जाता है। इसमें मॉन्क्स को दो लकड़ी के पिलर पर खड़ा होना होता है, और बाजू सीधे करके दो पानी की बाल्टियां भी उठाना होती हैं। इसके अलावा एक और तरीके में इनके जिस्म पर पानी के भरे बर्तन, प्याले या ऑयल लैंप रखे जाते हैं, जिनमें दो इनके कंधों पर और एक सर पर रखा जाता है। दोस्तों, तमाम ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जितने भी मॉन्क्स तैयार होते हैं उनका एक फाइनल एग्जाम होता है, जिसमें उनकी सलाहियतें देखी जाती हैं, और मॉन्क्स को फिर अपना एक नया स्टाइल चूज करना होता है, जैसे मॉन्क की स्टाइल, और इसमें सलाहियतों का होना लाजमी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।